हूँ कुछ स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड रियल वे बताने वाला हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ कुछ स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। अभी रिसेंटली मैंने 7 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया था चैनल पे, जिसमें 7 दिन में मैंने इतने चैप्टर्स को कवर किया। एंड दिस ऑल वाज पॉसिबल बिकॉज माय स्टडी आवर्स वर वेरी हाई। अभी अगर आपके स्टडी आवर्स बहुत कम है तो दिस वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज जो मैं वेज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इसको यूज करके आप अपने स्टडी आवर्स को नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट कर सकते हो। और अगर आपके स्टडी आवर्स ओके हैं या कभी कम कभी ज्यादा है, तो भी जो मैं वेज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इसको यूज करके आप अपने स्टडी आवर्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हो एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली उन्हें मेंटेन कर सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडे ब्लॉग। तो अभी हमारा रेडी हो गया है टू डू लिस्ट। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो इसके लेक्चर 1 से करना है, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में टोटल आपको 4 वेज बताने वाला हूँ टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स, जिसमें लास्ट के 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं पहले से। इट्स नॉट अबाउट कि बस अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करें, बल्कि क्वालिटी आवर्स भी होने चाहिए। क्या मतलब कि हम 4 घंटे अपने स्टडी टेबल पर बैठे थे बट इफेक्टिव पढ़ाई हमने 2 घंटे की। इसलिए अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करने के साथ साथ उनके क्वालिटी को भी इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। कभी थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा, तब तक व्हाट्सएप ग्रुप पे 5 बायो के क्वेश्चन आ गए तो उसको प्रैक्टिस करने चले गए। तब कहीं यूट्यूब पे देखा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू हो रहा है, कोई वन शॉट शुरू हो रहा है, तो उसको देखना शुरू कर दिया। लेकिन बीच में मन किया कि यार छोड़ो, कुछ और देखते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। तो ऐसे देखा या तो कहने को तो हमने पूरे दिन भर पढ़ाई किया, बट रियलिटी आपको ही पता है, ऐसे स्केटर्ड स्टडी करने से कुछ खास प्रोग्रेस नहीं होता है और बाद में स्ट्रेस भी होता है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे सब करें, करना बहुत कुछ है और कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो द सॉल्यूशन इज आप डेडिकेटेड स्टडी स्लॉट में स्टडी करो, चीजों को आप ऐसे रेंडम कवर मत करो। और ये हो सकता है जो आप क्लियर बाउंड्री सेट कर दो कि ये सारी चीजें आपको आज करनी है, उनमें आप प्रायोरिटी सेट करो। एंड जब भी आप स्टडी करने बैठो तो अपनी एनवायरमेंट को आप बिल्कुल क्लीन एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री कर दो, जैसे कि फोन साइलेंट पे, नोटिफिकेशन ऑफ, अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। ये वैसे बेसिक बातें लगती है बट जब एक नोटिफिकेशन के चक्कर में हमारा 2 घंटा वेस्ट हो जाता है तब रिग्रेट होता है। तो अब तक अगर आप रेंडम स्टडी कर रहे थे तो आई विल से यार अभी भी टाइम है इतना कि अगर आप आए के टाइम को ढंग से प्लान करके यूज करते हो एंड अपने बचे हुए टाइम को आप प्रॉपर डेडिकेटेड स्टडी आवर्स में देते हो, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, आपका सिलेबस भी जल्दी कवर होगा, आपके डिस्ट्रैक्शंस भी कम होंगे एंड आपके डेडिकेटेड स्टडी सेशंस का क्वालिटी भी इंक्रीज होगा। तो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 पूरा खत्म हो गया और ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर था, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगा इसको करने में। अगर आप अभी टाइम देखो तो अभी टाइम जो है वो 3:23 PM हो गया इसको खत्म करने में पूरा। तो अभी हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया, तो ये कंप्लीट है। और इलेक्ट्रो मैंने अभी रिसेंट में पूरा खत्म किया था, तो अभी मैं इसको सोच रहा हूँ एक बार रिवीजन कर लेने का। जल्दी जल्दी मैं बस केवल इसके फॉर्मूला वगैरह को बस मैं देखूंगा। इसके मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रखे हैं, बस एक बार जल्दी जल्दी इसके सारे फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट को रिविजिट कर लेते हैं। एंड इसके लिए मैं हेल्प ले रहा हूँ PDF नोट्स की एंड अपने नोट जो मैंने बनाए हैं उनके। तो अभी अपना इलेक्ट्रो स्टेट्स का रिवीजन भी हो गया और अभी इसको करने में आप टाइम देखो 4:36 PM हो रहा है। अभी आगे आई एम थिंकिंग बायोलॉजी के अंदर माइक्रोब्स, तो इसको देख लेते हैं। तो अभी अगर हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, आप मान लो कल मेरा एग्जाम है, तो आज मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि आज मैं प्रॉपर 9 घंटे की पढ़ाई करूंगा, ऐसा कोई नहीं सोचता है। रेदर हम ये सोचते हैं कि कल हमारा एग्जाम है एंड ये सिलेबस का पोर्शन आ रहा है कल एग्जाम में, तो इसको तो आज पूरा करना ही है नहीं है। जब हम उसको पूरा कर रहे होते तो हमारा फोकस इस पे नहीं होता है कि यार हमने 9 घंटे पढ़ लिया या 10 घंटे पढ़ लिया। हमारा फोकस ये होता है यार सिलेबस अभी भी खत्म नहीं हुआ, कल टेस्ट में क्या लिखूंगा, जल्दी जल्दी इसको खत्म करो। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल, हमारा फोकस जब आवर्स को देखने की जगह हमारा फोकस जब टारगेट्स को कंप्लीट करने पर आ जाता है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली आवर्स बढ़ जाते हैं कि यार अभी पूरा नहीं हुआ, इतना पूरा करना, अभी भी 2 टास्क रह रहे हैं, 3 रह रहे हैं, मेरे को पूरा एनी हाउ करके सोना है आज। जब आप इस पे आओगे तो ऑटोमेटिकली आपके स्टडी आवर्स बढ़ने लगेंगे। तो अभी जाके फाइनली मैंने माइक्रोब्स वाले चैप्टर को अच्छे से पूरा खत्म कर लिया है और इसको खत्म करने में आप टाइम अगर देखो अभी तो 6:22 PM हो गया है। फिर इसके बाद मैं अभी एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और मैं आपको थोड़ा सा एक अनबॉक्सिंग दिखाता हूं जो मेरे को बॉक्स रिसीव हुआ था। तो इस डब्बे के अंदर है टोटल 4 करोड़ रुपए की चीज, गेस करो क्या है ये। एक मिनट, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं सोच लिया था ना। तो इसके अंदर है हमारा एक छोटू सा मोटू सा प्यारा सा माइक जो मैंने ऑर्डर किया था स्टडी विद मी लाइव स्ट्रीम करने के लिए। मैंने ऑर्डर किया था सदियों पहले और सदियों बाद मुझे ये रिसीव हुआ। अभी आप देख रहे हो इसका 360 व्यू। खैर अभी हम इनको करते हैं डब्बे से बाहर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा निकल गया, कट कट कट। तो हाँ, अभी हम इनको करते हैं डब्बे से बाहर। फिर जब हम इनका खोपड़ी खोलते हैं तो सबसे पहले मिलता है ड्यूरामेटर, उसको जब हटाते हैं तो मिलता है एरेक्नोइड, जिसके अंदर होता है बहुत सारा कचरा जो हमारे कोई काम का नहीं है। फिर लास्टली हम हटाते हैं पाया मेटर एंड यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खोपड़ी खोल दिया इसका, देख रहे हो। खैर नाउ बारी खोपड़ी के अंदर का पार्ट। मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हैवी था ये, इतने देरी हाथ में होल्ड करने से हाथ दुखने लगा, तो इसके लिए हमें चाहिए था एक स्टेन। ये है मेन पार्ट जो इसके वेट को होल्ड करेगा, काफी सॉलिड है यार ये भी, वैसे होना मंगता भी है उतने भारे बाइक के वेट को होल्ड जो करना है। फिर अगला हमें इस डब्बे के अंदर मिलता है, ये क्या है यार ये मैं सोच रहा हूँ हमारे काम किस आएगा, हमें कोई सिंगिंग थोड़ी करना है।
सोचने दो किस काम आएगा, चाय छानने के काम आ सकता है क्या ये? नहीं नहीं, वो ज्यादा बुरा यूज हो जाएगा। वैसे मेरा एक फ्रेंड है जो रोड साइड सिंगिंग करता है, ये उसके काम आएगा, ये उसको दे दूंगा मैं, वापस रिपेक कर देता हूँ। फिर अगला हमें इसके अंदर मिलता है इसका पैर, जो कुछ ऐसा दिखता है। फिर मैं इसको जैसा तैसा करके सेटअप कर देता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। तो ये है इसका फाइनल लुक पूरा। यहाँ पे एक हिंज जॉइंट प्रेजेंट है जिससे ये अप एंड डाउन मूवमेंट शो कर सकता है, और अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जॉइंट प्रेजेंट है, इनकी हम क्या ही बात करें। एंड इधर से एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बनाता है जिसका एक्सेल पोटेंशियल काफी सारे उलझनों को पार करते हुए फाइनली जाके अपने डेस्टिनेशन पे यहाँ पहुंचता है। एंड अभी इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, इसके पास है बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी जिससे ये गिरगिट से तेज रंग बदलते रहता है। टेनोफोरा की तो बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टीज के सामने कुछ नहीं है यार। खैर, अभी हम आते हैं इसके ट्रांसवर्स सेक्शन पे। जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो ये दो हिस्सों में अलग हो जाता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस वाले सेक्शन का एनाटॉमी तो इंजीनियरिंग वालों का पार्ट है, बट इस वाले पार्ट का मॉर्फोलॉजी तो हम देख ही सकते हैं। तो हाँ जी, इसके लिटरल वाले बहुत सारे छोटे छोटे पोरिंस प्रेजेंट हैं जो इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। खैर बहुत हो गया यार, वापस आते हैं अपने टारगेट्स पे। इधर माइक्रोब्स तो हमने पूरा कर ही लिया था, अगला आई एम थिंकिंग टू डू केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के वैसे मेरे पास नोट्स हैं, ओके, पर इसमें मैंने पूरे केमिकल काइनेटिक्स को कवर नहीं किया। 60% के आसपास, 70% के आसपास मैंने इसके अंदर किया हुआ है। मैंने इधर इसको यहीं तक किया हुआ है, इसके आगे मैंने नहीं किया हुआ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक किया हुआ है। तो मैं इसको वन शॉट के हेल्प से करने वाला हूँ, साथ में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसका करते चलेंगे। एक बार इन नोट्स को हम रिवीजन करके फिर वन शॉट करना शुरू करेंगे तो थोड़ा हमारा टाइम भी सेव होगा। और अभी चूंकि यार 7 बज रहा है तो मैं रात के 9:30 के आसपास डिनर को जाऊंगा, तो देखते हैं 2.5 घंटे में केमिकल काइनेटिक्स का कितना पार्ट हम खत्म कर पाते हैं। सर अभी मैंने देखा मेरे पास रिवीजन के लिए एक ऐसा लेक्चर भी है जो 1 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को कराया हुआ है, बट अगर इसको अच्छे से करना है तो 4 घंटे इधर देने होंगे। पर मेरे को 4 घंटे इधर देना सही लग रहा है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अपने हो जाएंगे और साथ में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे। तो मैंने इसी पीडीएफ के इधर लेक्चर नोट्स भी ओपन कर लिए हैं, तो साथ में मैं अपने नोट्स को रिवीजन करते हुए पीडीएफ नोट्स को भी देखूंगा। इसको मैं भी लैपटॉप के अंदर भेज देता हूं। पीडीएफ इसका मिल नहीं रहा था पुराने वाले बैच में, तो फोन में डाउनलोड किया। वैसे लैपटॉप भेजने की जगह फोन के अंदर भी रख के पीडीएफ को रिवीजन कर ही सकते हैं। तो अपने रिवीजन करने के साथ साथ मैं इसके पीडीएफ नोट्स को भी देखूंगा, तो इसको अभी शुरू करते हैं रिवीजन करना। और यार, जो लोग मेरे साथ स्टडी करना चाहते हैं वो मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। मैं स्टडी विद मी लाइव वाले चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे दूंगा, बट आप उस पे जाकर क्लिक करो। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, वो सबके लिए नहीं है। जिनको वाकई में पढ़ाई पे फोकस करना है ये बस उनके लिए है, बिकॉज अपन उधर टाइम पास नहीं करेंगे ऑफकोर्स यार, क्योंकि एग्जाम पास में है। मैं वहाँ पे एक पॉजिटिव कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट वहाँ पे बस पढ़ने वाले लोग ही रहे, अपन सब साथ में प्रोडक्टिव रहे। तो इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड देन ओनली क्लिक ऑन दैट चैनल लिंक। तो केमिकल काइनेटिक्स को करने के दौरान मैं बीच में एक ब्रेक लेता हूँ, और डिनर का टाइम हो गया होता तो चला जाता हूँ डिनर करने। मैंने टारगेट लिया था इसका 1/3 पूरा करने का, तो इससे ज्यादा ही हमने कर लिया इसको। एंड अभी आई एम बैक फ्रॉम डिनर। अभी आगे मैं सोच रहा हूँ ग्रेविटेशन वो कर लेने का, मैंने सोचा इसका रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, तो इसको देख लेते हैं। एंड ग्रेविटेशन मैं अपने ही नोट से देखूंगा यार। लेक्चर देखना शुरू किया तो फिर रात हो जाएगी, ये चैप्टर खत्म होते रह जाएगा। तो अगर इतना एफर्ट डाल के हमने नोट्स थोड़ा बहुत बनाया है ठीक ठाक ढंग का, इतना प्यारा, देखो तो मैं एक हिंदी लिख लिख के नोट्स बनाता हूँ, बाद में रिवीजन करते वक्त जब हिंदी लाइक हिंदी इंग्लिश पढ़ के करो ना तो समझ में आता है। दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, अगर उसमें से एक मास अर्थ हो जाए तो वी कॉल दैट ग्रेविटी। अब इतना प्यारा नोट्स बनाया, लग रहा है पेज कोई इंसान है और इन चीजों को हमें कितने अच्छे से समझा रहा है। इधर देख लो, अच्छी सोच। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वास्तव में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। वास्तव में हिंदी देख रहे हो। तो मैंने इसके अंदर नोट्स लाइक जो बनाए, क्वेश्चन भी कुछ कुछ लिखे हुए हैं, तो ढंग के ही नोट्स हैं। तो मैं इसके थ्रू देखूंगा, जिन्होंने हमारे से पढ़ा होगा उनको ये समझ आ रहा होगा ये असली फार्मूला क्या है, नकली फार्मूला क्या है। खैर, अभी इसको रिवीजन करना शुरू करते हैं। एंड अगर अभी पॉइंट नंबर 3 की बात करें, तो आपको एक दिन में जितने टास्क पूरे करने उनमें थोड़ा वैरायटी रखो आप सब्जेक्ट की, क्योंकि लंबे समय तक एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते मन उब जाता है थोड़ा, एंड फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, तो हम ऐसा होने ही क्यों दें। आपने देखा भी होगा ब्लॉग्स में, मैं ऐसा नहीं है एक ही को करते रह जाता हूं, मैं बीच में सब्जेक्ट को स्विच करते रहता हूं। तो ट्राई दिस इफ यू आर नॉट ट्राइंग दिस येट। साथ में जब आप स्टडी करते हो ना, तो स्टडी इटसेल्फ बिकेम ए मोटिवेशन कि थोड़ा पढ़ो तो आगे और पढ़ने का मन करता है। एक स्टडी सेशन पूरा करो तो आगे लगता है यार कि थोड़े और स्टडी सेशन करना चाहिए, थोड़ा और पढ़ना चाहिए। तो फाइनली अभी ग्रेविटेशन को मैंने पूरा खत्म कर लिया है, और इसको आप देखो ना, पूरा खत्म करने में अभी टाइम जो हो रहा है वो 1:48 AM हो गया, यानी रात के 2 बजने के आसपास हम पहुंच चुके हैं।
खैर आगे मैं सोच रहा हूँ जीओसी को करने का, तो इसको शुरू करते हैं करना। और एसएचएम यार आई थिंक देखते हैं हो पाता है नहीं, अभी चूंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो आई डोंट नो एसएचएम हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे। फिलहाल तो जीओसी ही करते हैं, तो देखते हैं इसको। वैसे तो मैं जीओसी को माइंड मैप सीरीज से कर रहा हूँ जिसके अंदर 1.5 घंटे के अंदर ही पूरा जीओसी सर करा देंगे, बट मुझे इसको करने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मैं इसके पीडीएफ नोट्स जो मेन डिटेल लेक्चर के उनको देख रहा हूँगा, और साथ में इसके अंदर जितने क्वेश्चन आए हुए हम उनको भी प्रैक्टिस करेंगे और साथ में हम डीपी को भी प्रैक्टिस करेंगे, यानी जीओसी को हम पूरा फुल ऑन फाइनल रेडी करेंगे। तो ज़्यादा टाइम लगेगा इसको करने में, देखते हैं कितना टाइम लगता है, शुरू करते हैं इसको करना। तो ये फोर्थ लास्ट एंड फाइनल टिप की बात करें तो यार मैंने इस चीज को खुद फील किया है, हम कुछ भी करते हैं ना, चाहे स्टडी चाहे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें दो फेज आता है। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो बीच में एक बार फील होता है कि यार थोड़ा सा मतलब उठ के बाहर से घूमाए क्या, या कुछ और चीज में लग जाते हैं, कुछ और ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, बट स्टिल अगर आप उस फेज को पार कर लेते हो ना यार ठीक है, जो भी थॉट आ रहे हैं उनको भी साइड में रखते हैं और अपनी स्टडी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे आगे के हाउस प्रोडक्टिव बीतते हैं। और वही जब फेज होता है डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स का, क्योंकि यार हमारा दिमाग खुद ही डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स को लेके आता है, तो अगर तभी हम उस फेज में निकल गए होते स्टडी को छोड़ के, तो जो हमारे हावर्स प्रोडक्टिव हुए वो बहुत अच्छे तरीके से वेस्ट हुए होते। एंड ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ स्टडी के टाइम पे फील होता है, जब भी हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं तो भी एक फेज आता है जब आपको फील होता है यार कि यार टाइम वेस्ट हो गया, अब मेरे को जाके स्टडी करना चाहिए। एंड अगर आप उस फेज को उन थॉट्स को इग्नोर कर देते हो, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हो, तो आपके आए के कई हावर्स वेस्ट हो जाते हैं। और अगर आप उसी फेज पे अवेयर हो गए कि नहीं अभी मेरे को पॉज लेना है, जाके सही चीज में लगना है, फिर आगे आपका जो हावर्स वेस्ट हो सकता था वो बच जाएगा। ये मैंने खुद फील किया एंड होप समझ गए मैं क्या कहना चाहता था यहाँ पे। देखो आप ये करना मुश्किल तो है पर करना तो पड़ेगा, क्योंकि चीजें बर्बाद हो रही है और इनको हम बर्बाद होते नहीं छोड़ सकते ना। तो अभी जाके हमारा जीओसी का पूरा लेक्चर खत्म हो गया ये, और इसको मैंने बहुत अच्छे से रेडी कर लिया। अभी इसको करने में सुबह हो गया, सुबह के 4 बजने को हो गए हैं। और हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर जीओसी को आप ढंग से सच में रिवीजन करना चाहते हो तो ये वाली माइंड मैप सीरीज बहुत अच्छी है, इसको आप मतलब टाइम दे सकते हो, सर ने इतने टाइम में बहुत अच्छे से कराया हुआ है। तो अभी हमारा जीओसी तो हो गया कंप्लीट, बट यार अभी एसएचएम करने गया तो बहुत रात हो जाएगी, या सॉरी बहुत सुबह हो जाएगा मेरे लिए तो रात के बराबर ही है, तो इसको मैं नहीं करने वाला हूँ वरना फिर करते रह जाएंगे अपन। बाकी मैं अब इसको कल देखूँगा, और इधर मेरा एक केमिकल काइनेटिक्स भी आज का थोड़ा सा पार्ट रहा, तो इसको मैं कल कंप्लीट कर लूँगा। खैर तो बस आज के लिए गुड नाइट बाय या गुड मॉर्निंग जो भी हो। और हाँ मैं वीडियो एंड करूँ उससे पहले फिर से एक बार चेतावनी देना चाहता हूँ कि नीचे वाले लिंक पे बहुत सोच समझ के क्लिक करना है, अगर आए वहाँ पे तो पढ़ना पड़ेगा, टाइम पास नहीं चलेगा। और अगर मैंने इस माइक का कोई फीचर मिस कर दिया हो तो वो मुझे नीचे कमेंट बता देना, और अगर इसका साउंड क्वालिटी जानना है तो आओ कभी हवेली पे।